ओके, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी मतलब आज ब्रेकफास्ट बन रहा है और मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब थोड़ी वीकनेस है। तो अभी नाश्ता कौन बना रहा है आप लोग भी इंजॉय करोगे, आई एम डैम श्योर। तो गाइस आज बन रहा है लंच के लिए चीला। तो आप लोग जैसे जानते हो कि मुझे चीला you know, बनाना आता नहीं है या मुझे अपने बंदे के हाथ का ही खाना होता है। तो हम लोगों ने आज शॉप जाना है, काफ़ी टाइम के बाद हम लोग शॉप पे जा रहे हैं। तो अभी ये यहाँ पे चीला बन रहा है और ये पैक भी हो रहा है लंच के लिए। और ब्रेकफास्ट के लिए बन रही है करेले की सब्जी और रोटी, करेले की सब्जी वहाँ बन रही है और रोटी मैं अभी बनाऊंगी। Are you ready for flip? Yes. Are you ready for flip? Yes, we are ready, guys. 2, 3, 2, 1. जय बात। बाबू क्यों ना तुमको एक मतलब रेस्टोरेंट टाइप खुला के दे दें अपन, तुमको ज्यादा सही चलाओगी, रेस्टोरेंट भी चलाओगी, चश्मा भी चलाओगी, ब्लॉगिंग भी करोगी, खाना पकाओगी। जय बात। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये मतलब ये कौन से चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं कभी कभी लाइफ में तुम्हारी। धन ये कौन सा माइकल जैक्सन आ गया खाना बनाते बनाते। ऑमलेट लग रहा है सीरियसली। हाँ, उनको भी यही फील आ रहा है कि ये तुमने इसमें क्या ही किया है। तो गाइस ये चीला है, इसमें बहुत हल्का सा पोटैटो है और पनीर है और अपना पालक की फिलिंग है। और ये मतलब you know, आप लोग देख के रहे हो, हरी मिर्च है, टमाटो you know, खत्म हो गए थे और मार्केट में भी 80 रुपीज किलो मिल रहे थे। नहीं यार, मैं जानबूझ के नहीं लेके आई। आपको स्टोन का भी दिक्कत रहता है ना, तो उस वजह से भी। तो बस अब आपको मिलते हैं बाद में रेडी होने के बाद। सो गाइज वी आर रेडी और हम लोग जा रहे हैं अब शॉप पे। और यशु ने आज मेरे कपड़े पहन लिए, मतलब मेरा स्ट्रक डाला है इसने आज। तो गाइज कमेंट करके बता देना कि मैं कितनी पतली लग रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद फीलिंग आ रही है कि मैं बहुत पतली हूँ। इधर आप पास से दिखाते हो ना, इधर आप चल जल्दी शूज पहन। हाँ, मेरे शूज कहाँ पर है? यही होंगे, देख। Guys, there is my new shoes। इसके नीचे होंगे, लेकिन वो तो गंदे पड़े। मैंने साफ कर दिए थे, बीच पे धो दिए थे, अभी ऐसे साफ बीच पे धो दिए थे, इसके नीचे है शायद। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on गाइस फाइनली हम लोग आए हैं थोड़ा सा बाहर, मतलब शॉप पे आए हुए हैं, बट शॉप के you know, आजू बाजू हम लोग घूम रहे हैं। तो थोड़ा सा you know, स्ट्रीट फूड देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो और हाँ, कल काफ़ी लोग गेस करने में लगे हुए हैं नए चैनल के बारे में, अच्छा लगा जान के। मुझे ये गेस कर रहे हैं, अच्छा है आप करो। एक पोहा, सेब पोहा और एक इडली सांभर, नहीं साबुदाना खिचड़ी, इडली सांभर। देखो हम बाहर से भी हम लोग you know, डाइट वाले ही खा रहे हैं। सेब पोहा अच्छा है, पोहा तो मेरे उसमें लिखा था लाइट में, और इडली सांभर अच्छा हल्का लाइट। अगर आप देख रहे हो तो कुछ बोलना है इसके बारे में। मैं तो लाइट होता है, हाँ लाइट है, बहुत हल्का है, मेरे वजन से भी हल्का है। तो गाइस फाइनली बेसन का चीला बना के लाई थी मेरे लिए, मतलब मैंने ही बनाया था, बट वो मेरा मन नहीं कर रहा खाने का यार, ठंडा भी हो चुका ना, इसलिए वो दिक्कत है ठंडे से, ये है प्रॉब्लम, तो बाकी तो कुछ नहीं है। और देखते हैं अभी और क्या क्या चीज़ें करनी है। आज थोड़ा शायद जल्दी निकले शॉप से। कल आज हम लोग मेन आए थे, कल हमारा कैंप है। आप लोगों को ये भी बता दें कि हम लोग इतने टाइम से शॉप नहीं आ रहे थे क्योंकि हम थोड़ा सा व्लॉगिंग में बाहर का थोड़ा सा कर रहे थे कि थोड़े ट्रैवल्स का दिखाएं आपको। तो हम शॉप पे आज इसलिए आए हैं क्योंकि 2 दिन के लिए, नेक्स्ट अगले 2 दिन के लिए हमारा लगेगा कैम्प, जहाँ पे फ्री आई चेकअप्स हम लोग अरेंज कर रहे हैं और काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं। यहीं पे एक सोसाइटी है काफ़ी बड़ी में शॉप है और वही एक सोसाइटी में हम लोग कैंप करेंगे। तो 2 दिन का वहाँ पर है और आगे आगे वो चीज़ और आएगी, आप लोगों को पता चलेगा, देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कैसा होता है अभी आगे। तो गाइज़ अभी हम लोग फिर से बाहर आ चुके हैं अपनी शॉप से और हम लोग अभी जा रहे हैं कुछ लेने के लिए, जो कि हमें कल ही कर लेना, कल या परसों कर लेना चाहिए था, बट कल आपको जैसे कि पता है कि चैलेंज वीडियो आया था और तो इसलिए हम लोग कर नहीं पाए। तो इसलिए अभी जा रहे हैं हम लोग और एक छोटू सा सेलिब्रेशन करते हैं। किस चीज़ के लिए वो आपको पता चलेगा शॉप के अंदर। तो आप लोग वैसे समझदार हो, समझ जाओगे। हाँ, वैसे तो आप लोग समझदार हो तो आपको पता ही है कि किस चीज़ का, क्योंकि हुए तो आपकी वजह से ही है ना वो, तो इसलिए। तो चलो चलते हैं अभी और देखते हैं। And on and on we'll go. तो गाइस ऐसे छोटे मोटे सेलिब्रेशन तो चलते ही रहेंगे और एक बड़ा सेलिब्रेशन आपको मिलेगा हमारे 50 के होने पे, और उससे भी बड़ा सेलिब्रेशन आपको मिलेगा जब मैं अपना वेट 55 कर लूँगी। जिस दिन मेरा वेटिंग मशीन में मेरा वेट 55 आ गया ना, कसम से अपन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे उसको। और आप लोग जानते कभी देखा है आपने कभी देखा किसी को 68 से कोई वेट 55 कर ले उसको सेलिब्रेट करते हुए? यार ऑब्वियसली यार बंदे ने मेहनत की है, वो करेगा ना क्या सेलिब्रेट? तुमको क्या लग रहा है कि 22-23 दिन में ऐसे ही 6 किलो वेट रिड्यूस हो गया मेरा? हाँ मैंने कब बोला? मैंने भाई चल इधर चले। हाँ बट गाइस फाइनली हम लोग ले आए हैं। दुकान वाला कहता है इतना सस्ता जुगाड़ क्यों? तो हमने बताया है कि भैया सस्ता जुगाड़ बड़ी महंगी चल रही है यार, फिर वो वेस्ट होता ना, इसलिए हमने छोटे वाले इस वाले कपकेक के ऊपर ही लिखवाया है। इसलिए गाइस अभी तक आप लोग समझ चुके होंगे कि थोड़ा आगे चल रहे हैं, फिर मेरे से पीछे चल रहे हैं। ओके गाइस आप लोग अब तक समझ चुके होंगे कि ये पुस्तक जुगाड़ हम किस लिए लेने गए थे, क्योंकि कल डुब्बू के 24K कंप्लीट हुए इंस्टाग्राम पे और मेरे 10K फाइनली। यस इसका तो हमने फालतू में ले लिया 24K का, मेरा था मेन तो 10K का। अच्छा जी हो गया। तो गाइस आज कटने वाले हैं 2 कपकेक, क्यूट से बहुत ही क्यूट है यार सच में। लिखा भी बड़े प्यार से उसने, अच्छा सा लिखा है, अभी आप देखना। नहीं तो ऐसा लिखता नहीं क्योंकि ये ऐसे पैकेट में बंद था। हाँ ये नॉर्मल बिकते हैं क्योंकि। हाँ तो आज हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन, क्योंकि हम केक नहीं लेके आ सकते ना हम खा सकते डाइट के वजह, क्योंकि हमारे साथ वाले भी डाइटिंग पे चल रहे हैं। तो हम लोग बहुत बुरी तरीके से वहाँ पे फंसे हुए थे, तो हमने कहा चलो यार यही कर ले, यहीं से चलना नमाज से। ऐसे हाथ खुल खुल गया ना वो। तो गाइस ये है अपना सस्ता जुगाड़ वाला, जो जैसा कि हम दुकान वाले ने हमको बोला था। अच्छा इसी में रखना है ये, ठीक है? हाँ तो ये तो निकालना पड़ेगा ना, इसका निकाल दे आराम से निकालियो। अगर ऊपर से जरा से भी क्रीम हिली ना फिर देख लियो। जब कहेगी ना कि हिलनी चाहिए तो मैं पक्का कुछ गड़बड़ करूंगी। तो इसमें तो मुझे लग रहा है कि मैं कुछ गड़बड़ करूंगी। मैं कर रही हूँ ना, ज्यादा होशियार बनेगी अभी कि नहीं भाई मैं ही कर सकती हूँ। रुको तुम ज्यादा वो मत बना, तुमको समझा। चल 24 के इधर रख, मेरा है। इसने इस वाले पे मेरा लिखवाया, उसने ऊपर से गुलाबी से लिख दिया, अपने पे चॉकलेट वाला लिखवाया। तो तू लड़की है ना इसके लिए गुलाबी लड़की है। रुक जा। तो गाइस ये है हमारा छोटा सा केक। हम ज्यादा नहीं कर सकते आपको पता ही है, जैसे कि तो 10K और 24K। तो थैंक यू सो मच। 10K इसके हुए हैं क्योंकि मैंने इसको बहुत प्रमोट किया इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, आप लोग जानते ही हो। और 10K हुए हैं मेरी मेहनत की वजह से, क्योंकि मेरे पति ने मुझे बिल्कुल प्रमोट नहीं किया, ना इंस्टाग्राम पे ना यूट्यूब पे, कहीं भी आईडी मेरी लिंक पे पेस्ट नहीं की गई थी, कहीं कोई मेरे को फॉलो ना कर ले। तो मैंने खुद अपना प्रमोशन खुद किया है, आपके प्यार और सहयोग से मेरे 10K पूरे हो चुके हैं गाइस। और यू नो मेरी ब्लेसिंग्स के साथ इसकी 24 के कंप्लीट हो गए हैं। तो पता पहले क्या काटना है, क्या गंदे तरीके से नहीं देंगे, प्यार से कटेंगे अपन। पहले बता दें कि ये केक नहीं है, सिर्फ ब्रेड है। हाँ, ये ड्राई केक है। चुप रहे, इसको ड्राई केक बोलते हैं गाइस। ये ड्राई केक है और मतलब मैं प्राइस नहीं बताऊंगी इसे, पर ये बहुत क्यूट है। बता दे 10 रुपीज का है, 24 के 10 रुपीज का है। ये फ्रूट केक है, ये भी 10 रुपीज का है। दुकान वाले ने हमारी तो शुगर करो उस बंदे का। 10K completed। चल यहाँ काट देता हूँ मैं इसको। ये क्या मस्त काटा है तूने। मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ ये देख। ओके गाइस, हाँ ओके गाइस, ये भी काट दे, 24 के भी काट दे बेचारे को। अब बारी है 24 के काटते हैं। ऐसे बोलते हो उल्टे हाथ से नहीं पकड़ते। हाँ तो सीधे से पकड़ो ना। ये बाबू थोड़ा पतला कट गया। नहीं सही कटा है बाबू, बिल्कुल सही कटा है ये। बाबू अपन ऐसे ही केक लाएंगे। मेरे बर्थडे पे मुझे यही कप केक चाहिए। कितना प्यारा है सच में यार ये। अपन फालतू में इतने महंगे केक लाते हैं, ये वाला सही है, ये परफेक्ट है। तो गाइस अब मिलते हैं आपसे बाद में, थोड़ी देर बाद। हम खा लेते हैं पहले। ये तो खाएगी, मैं खा लूँ। मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, मैंने खा लिया है। तो फाइनली गाइस आप लोगों ने मेरे 10K कंप्लीट करा दिए हैं और मेरे को इस आदमी को बीट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके 24 है तो मेरे को 25 कराने पड़ेंगे। तो आप लोग मेरे 25 यानी 25 के करा देना। फॉलोअर बढ़ा देना। हाँ खरा मत कर, 25 तो कल से बढ़ चुके। मेरे 1100 होने वाले मेरे बहुत जल्दी। 10,100 होने वाले बाबू, ऐसे मत कर, देख तुम्हें बेसी मत मारा कर। तो गाइस आपको पता है आपको क्या करना है, आपको मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना है और बहुत जल्दी मेरा नया चैनल आने वाला है। फॉलो आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। हाँ, कैसे करेंगे फॉलो? इंस्टाग्राम पे जाओ, मेरी आईडी देखो Yashu P 15। और अगर यूट्यूब से करना हो तो कैसे करेंगे? यूट्यूब में जितनी भी वीडियोस है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मेरी आईडी उसमें मेंशन है। आप वहाँ पे जब जाओगे उस पर क्लिक करोगे तो मेरी आईडी खुल जाएगी इंस्टाग्राम की, उसको फॉलो कर लेना। बस मेरे को बेवकूफ समझने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ओके गाइस बस अभी के लिए इतना काफी है, टाटा। तो गाइस यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं कल के कैंप के लिए। गाइस कल के कैंप की जोरों शोरों से तैयारियां देख रहे हो आप कैसे चल रही हैं। डुगू अपना कल हम कूपन भी कुछ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो भी क्लाइंट्स हमारे पास आएंगे। और मैंने आपको जैसे बताया था कि हाँ, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि हम जो कैंप कर रहे हैं उसमें जो भी क्लाइंट्स आएंगे उनका फ्री आई चेकअप है। और जो भी हम यू नो ग्लासेस और जो भी हम उनको प्रोवाइड कराएंगे उसमें भी हम एक डिस्काउंट देंगे। प्लस हम उनको देंगे ये गिफ्ट वाउचर, आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा ये रहेगा। ये रहेगा गिफ्ट वाउचर 500 रुपीज़ का, जो कि परचेजिंग पे आपको यू नो 500 उसमें से लेस हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। और कल यार सुबह बहुत जल्दी आना पड़ेगा, सबसे बड़ा इशू मेरा। और अगर यशराज की तरफ से कोई बाय करता तो उसको भी 500 का गिफ्ट वाउचर मिल सकता है। तो जो भी लोग मुंबई से हैं, जो भी कांदिवली ईस्ट में यहाँ पे विजिट कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका। आप एक बार जरूर आइए, अपनी आईज को चेक कराइए। अगर नंबर नहीं भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस कल जो आई चेकअप होने वाला है वो जो आपको पता ही है कि मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर शेयर करती हूँ पूजा का। वो बहुत अच्छी ऑप्टोमेट्रिस्ट है, तो वो वहाँ पे चेकअप करने वाली है। तो आई थिंक आपको एक बार शॉप पे भी विजिट करना चाहिए। एक बार आप अगर आई टेस्ट भी कराना चाहते हैं तो फ्री आई चेकअप होता है यहाँ पे, तो आप इजीली यहाँ पे आके चेकअप करा सकते हैं। और अगर आपको नॉर्मली 0 फ्रेम वाले स्पेक्स चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही कलेक्शन अपने पास बहुत डिस्काउंटेड रेंज पे। और अगर आप फर्स्ट परचेज अगर आप कर रहे हैं तो आपको उसके साथ ये 500 रुपीज का डिस्काउंट कूपन भी मिलेगा। 15 मुझे बांधो बंधन में, ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने घर पे, अपने फ्लैट पे। यू नो फ्लैट बोलने की आदत नहीं है ना, इसलिए। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर पे जैसे कि आप लोगों को पता चल चुका होगा। और हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि इतने टाइम बाद हम लोग शॉप पे गए थे और कल की तैयारियां भी शुरू करनी है क्योंकि शुरू की हैं। आपको पता है कि कल हम लोग कैम्प करने वाले हैं, नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए कैम्प है, तो उसके लिए काफ़ी सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो हम लोग वही करने में बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो हम लोग घर पर भी लेट पहुँचे हैं। तो अभी डुगू को भूख लगी है, तो डुगू गई है अपना खाना गर्म करने। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, खाना गर्म हो जाएगा। यस, कौन सा खाना गर्म हो जाएगा? जाने बाल बाल मत पकड़ो यार। अभी बात बताओ, अगर सर में दर्द हो रहा है बंदे के तो फिर उसमें मेरी क्या गलती? सर दर्द तो तेरी है कि तू उठ के खाना दे मुझे, लेकिन नहीं टूट रहा। खुद लेवल खराब है कि नहीं है बताना जरा। सोने की तैयारी क्या होता है यार, ये कोई बात थोड़ी होती है डुगू। हाँ, अभी खाना गर्म जब हो जाएगा तब कौन खिलाएगा इसको? मैं खुद खा लूँगी। ओके गाइज, यहीं पे फिर वीडियो को एंड करते हैं। इस जनाब के भाव बहुत ज़्यादा बड़े पड़े हैं और मेरे को इतना पैसा नहीं है कि मैं इनके भाव से इतना कर सकूँ, है ना। तो यहीं पे करते हैं वीडियो को एंड। अभी के अभी अगर इस जनाब ने अपना मुंह सीधा नहीं किया, माथा प्लेन नहीं किया, तो बस फिर देख लेना। प्लेन नहीं है मेरा माथा, ठीक है ना। अपनी आँखें चेक करा ले, आज ही चेक करा के दोबारा। वो भी चश्मा बनने भी दे दिया मैंने। हाँ, अच्छे से सबको गुड नाइट कर लो। मैं तारी मुक्का मत खा लेना। मेरे से बाल कैसे कर रहे मेरे बाल है ही ऐसे, मैं क्या करूँगी तुम्हारे बालों का? दिमाग खराब मत किया करो, बता रखा तुमको 1000 बार समझा। हाय गाइस, ऐसे फोन करती है लोग, तो ऐसे पकड़ते ना फोन, ये ऐसे पकड़ती है। नान बहुत हो गया, बस मेरी बेइज्जती कर लियो, तो बस आप ब्लॉग इन कर दें। तो गाइस, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।